सब्सक्राइब करिए बी योर डॉक्टर चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर भावेन पावारी और आज मैं आपको बताऊंगा लीवर के बारे में, उसके साथ लीवर से सीक्रेट होने वाले बाइल के बारे में और बाइल के फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो लीवर है वो हमारे बॉडी में उसका लोकेशन क्या है, वो कहाँ सिचुएटेड होता है। जैसे आप यहाँ इमेज में देख रहे हो, लीवर होता है हमारे एब्डोमेन के अपर पार्ट में और राइट साइड में, वो पार्ट पर लीवर सिचुएटेड होता है। लीवर में 4 लोब्स होते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हो उसमें राइट लोब, लेफ्ट लोब, उसके अलावा कॉर्डेट लोब और कॉर्डेट लोब, ये कुल मिलाकर उसमें 4 लोब्स होते हैं। जो लीवर है उसका वेट बहुत ही ज्यादा होता है, उसका वेट करीबन होता है 1.5 kg। ये हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है और वाइटल ऑर्गन है। उसमें जो हिपेटोसाइट्स होते हैं, जो लीवर के सेल है, उसे हिपेटोसाइट कहा जाता है। और ये सेल्स ये एक लिक्विड को सिक्रेट करता है जिसे बाइल कहा जाता है। आगे के वीडियो में मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन बताऊंगा बाइल के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में। बाइल और बाइल के फंक्शन समझाने से पहले मैं आपको समझा रहा हूँ इसका पूरा पाथवे, कि जो लीवर से बाइल सीक्रेट होता है, जनरेट होता है, वो कौन से पाथ से गुजरता है। लीवर से जो बाइल सीक्रेट होता है, जनरेट होता है, वो हिपेटिक डक के जरिए उसमें से नीचे की तरफ आता है, लीवर में वो नीचे की तरफ आता है और फिर सिस्टिक डक के थ्रू वो गॉल ब्लैडर यानी कि पिता से वहां ये बाइल स्टोर होता है। उसके बाद हमारी बॉडी को जब भी जरूरत होती है पाचन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, तब ये पिता से गॉल ब्लैडर से ये बाइल छोटी आंत तक आता है और हमें पाचन में मदद करता है। ये हुआ उसका पूरा पाथवे। अब मैं आपको बता रहा हूँ बाइल के कंपोजिशन के बारे में, कि बाइल के अंदर का कंटेंट क्या होता है। बाइल के कंटेंट में ज्यादातर हिस्सा पानी का होता है, करीबन 97.6 इतने प्रतिशत उसमें पानी होता है और करीबन 2.4% उसमें सॉलिड्स होते हैं। उसमें दो पार्ट बनते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में उसमें होता है बाइल सॉल्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा बाइल पिगमेंट्स, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन, फैटी एसिड और म्यूसिन, ये सारे कंटेंट है बाइल के ऑर्गेनिक सब्सटेंस वाले। उसके अलावा उसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, उसके अलावा बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, ये सारे कंटेंट है उसके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब मैं आपको समझाऊंगा बाइल सॉल्ट्स के बारे में, बाइल पिगमेंट्स के बारे में और उसके बाद पूरे बाइल के फंक्शंस के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको जॉन्डिस, इक्टेरस ऐसे डिजीज समझने हैं तो आपको ये प्रोसेस उसकी पूरी समझनी होगी। पहला लेते हैं बाइल सॉल्ट्स, उसमें होता है सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स और ये हमारे बॉडी के डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में उसका बहुत ही बड़ा रोल होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा बाइल पिगमेंट्स, उसमें पिगमेंट्स होता है जैसे कि बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ऐसे पिगमेंट्स होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप ठीक तरह से समझिए। अगर ये समझ में आ गया तो आपको जॉन्डिस जैसे जो डिजीज है वो आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि बाइल पिगमेंट्स कैसे बनता है। हमारे बॉडी का जो खून है, रेड ब्लड सेल है, जो लाल कण है, उसकी एक वैलिडिटी होती है, करीबन 120 दिन के बाद वो फिर टूटने लगते हैं क्योंकि उसकी एज खत्म होती है। जब आरबीसी लाल कण जब टूटता है तब उसमें से बनता है एचबी। एचबी जब स्प्लिट होता है, उसका जब ब्रोकन डाउन होता है, तब उसमें से बनता है हीम प्लस ग्लोबिन। जो ग्लोबिन है वो प्रोटीन पार्ट है, वो फिर यूज हो सकता है, लेकिन हीम है वो फिर से स्प्लिट होता है और उसमें से दो पार्ट बनता है, एक बनता है आयरन और दूसरा बनता है बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन आगे प्रोसेस होके बनता है बिलीरुबिन। ये जो लास्ट में मैंने दो नाम लिए वो हुए पिगमेंट्स, यानी कि जो बॉडी का खून है उसकी वैलिडिटी होने के कारण वो तो टूटता ही रहता है और ऐसे प्रोसेस होके बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन वो भी बनते ही रहते हैं। जो खून टूटने से बिलीरुबिन बनता है उसे कहते हैं फ्री बिलीरुबिन, यानी कि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, जो किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ये जो फ्री बिलीरुबिन है वो ट्रांसपोर्ट होता है लीवर तक और वहां ये कंजुगेटेड बिलीरुबिन बनता है। बिल्कुल समझ में आ गया कि हमारे बॉडी में खून तो टूटने ही वाला है, वो जब 120 दिन के बाद लाल कण टूटता है
तब बिलीरुबिन बनता है पूरी प्रोसेस होके, और वो बिलीरुबिन जो फ्री बिलीरुबिन है अनकॉन्जुगेटेड है वो लीवर में जाके कॉन्जुगेटेड बनता है, और फिर वहां से बाइल बनके वो आता है आंत तक, और फिर वो आंत से कुछ पार्ट यूरिन में निकल जाता है और कुछ पार्ट स्टूल में निकल जाता है, टॉयलेट में निकल जाता है, और कुछ पार्ट फिर से वहां से लीवर में जाता है, और फिर से वो साइकिल चालू की चालू भी रहती है। वो ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, अगर आपको समझ में ना आया हो तो फिर से एक बार देख लीजिए, ये आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। ये जो फ्री बिलीरुबिन है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है उसकी नॉर्मल मात्रा हमारे बॉडी में होती है 0.5 से 1.5 मिलीग्राम पर डीएल। इतनी मात्रा में बिलीरुबिन का लेवल हमारे ब्लड में होता है, लेकिन अगर ये जो नॉर्मल रेंज है उससे अगर वो बढ़ जाए, अगर 2 से ऊपर चला जाए तो उसे कहते हैं जॉन्डिस। अब मैं आपको बता रहा हूँ उसके जो बाइल है उसके फंक्शंस के बारे में। उसका पहला फंक्शन है डाइजेस्टिव फंक्शन, यानी कि पाचन का फंक्शन। ये जो बाइल है ये पाचन में मदद रूप होता है। हम जब फैट वाला खुराक खाते हैं तब वो स्टमक में भी पाचन नहीं हो सकता है, और इंटेस्टाइन में भी ये पाचन होने की कैपेसिटी नहीं है। लेकिन जब वो फूड बाइल के साथ मिलता है तब बाइल उसकी डिटर्जेंट एक्शन के कारण जो वो फैट के पार्टिकल्स है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होने के कारण उसका पाचन हो पाता है। इसलिए ये जो बाइल का डाइजेस्टिव फंक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसका फंक्शन है एब्जॉर्प्शन फंक्शन, यानी कि जो पाचन हुआ है उसे एब्जॉर्ब कर लेना। जो फैट का एब्जॉर्प्शन है वो ये बाइल के जरिए होता है। उसके बाद उसका फंक्शन है लैक्सेटिव फंक्शन। ये फंक्शन का मतलब होता है कि टॉयलेट आसानी से पास कर सके, ऐसा एक फंक्शन। बाइल ये करता है कि जो इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है वहां मूवमेंट्स करता है। कंटिन्यूस मूवमेंट्स करने के जरिए वहां टॉयलेट आसानी से पास होता है, और ये हुआ उसका लैक्सेटिव फंक्शन। उसके अलावा जहां बाइल रहता है गोल ब्लैडर में पित्ताशय में, वहां स्टोन ना हो उसकी भी एक जिम्मेदारी निभाता है। जो कोलेस्ट्रॉल है, लेसिथिन है, ऐसे तत्व को ये लिक्विड फॉर्म में रखता है, वहां स्टोन ना हो उसकी ये पूरी जिम्मेदारी अपनी निभाता है। जो बाइल का एक पार्ट है बाइल सॉल्ट, उसके ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहला कि लीवर से ज्यादा बाइल बनता रहे, लीवर से ज्यादा बाइल सीक्रेट होता रहे, ऐसा ये काम करता है बाइल सॉल्ट। ये कंटिन्यूस मैसेज देता है और ये फंक्शन पूरा करता है। उसके अलावा जब गोल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय को जब कॉन्ट्रैक्ट करनी हो, संकोचन करना हो और वहां से बाइल को रिलीज करना हो, तब बाइल सॉल्ट हॉर्मोन के जरिए ये काम करता है और हमारी बॉडी को मदद रूप होता है। उसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंटीसेप्टिक फंक्शन। ये हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से दूर रखता है, हमारे बॉडी में बैक्टीरिया को एंटर नहीं होने देता है, और ये हमें कई सारे डिजीज से बचाता है। उसके बाद उसका एक फंक्शन है एक्सिटरी फंक्शन। जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाता है उसको बाइल अपने जरिए वो निकाल देता है। उसमें बैक्टीरिया हो, टॉक्सिन्स हो, हेवी मेटल्स हो, या फिर कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट्स, ऐसा जो चीज है उसे ये भी एक्सिट करके निकाल के हमारे बॉडी को बचाता है। उसका लास्ट फंक्शन है जो बाइल का एक कंटेंट है म्यूसिन। म्यूसिन की एक प्रॉपर्टी होती है ल्यूब्रिकेंट प्रॉपर्टी, यानी कि ग्रीस जैसा। ये हमारे इंटेस्टाइन को इंजरी से, केमिकल से, अदर हार्म से ये बचाता है। ये सारे हुए जो बाइल है उसके फंक्शंस। आज के इस वीडियो में मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताई लीवर, लीवर से बाइल कैसे जनरेट होता है और बाइल के फंक्शंस के बारे में। होप यू वुड लाइक माय वीडियो। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप इस पर लाइक कर दीजिए, इसको शेयर करिए और किसी को काम आएगा, कमेंट करिए। मेरा मेल एड्रेस भी यहाँ मेंशन है, मुझे मेल करिए, मैं पूरा ट्राई करूंगा आपको रिप्लाई देने का। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हो तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप Facebook पर देख रहे हो तो उसको ये मेरे पेज को फॉलो कर दीजिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।